सो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अनके प्रजापति, आपका दोस्त और होस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईफोन 14 प्रो के बारे में, और आईफोन 14 प्रो के भी उन फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कि रियल में आईफोन में चेंज किए गए हैं और जिनके लिए आपको आईफोन 14 प्रो खरीदना चाहिए। तो फालतू की बकवास नहीं होगी, सारी काम की बातें यहाँ पे होगी, तो बने रहे हमारे साथ। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े फीचर के बारे में, जो कि है इसकी चिप। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है गाइस, यहाँ पे A16 बायोनिक चिप को, जो कि एप्पल की सबसे लेटेस्ट चिप है यहाँ पर, जो कि आपको सिर्फ आईफोन 14 प्रो में देखने को मिलती है, आईफोन 14 में भी नहीं। तो ये काफ़ी कमाल की चिप है, बिकॉज इसके अंदर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया है। तो इससे प्रोसेसिंग आपकी नेक्स्ट लेवल चली जाती है, और आपकी जो पुरानी चिप थी A15 बायोनिक, जो कि आपको आईफोन 14 में देखने को मिलती है, आईफोन 13 में देखने को मिलती है, उससे ये 40-44% गाइस यहाँ पे प्रोडक्टिव होगी, यानी प्रोसेसिंग आपकी ज़्यादा होगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। बात करते हैं सेकेंड यहाँ पे मेन फीचर की, जो कि है इसका गाइस कैमरा। यहाँ पे गाइस एप्पल आईफोन में पहली बार आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है। आईफोन 14 प्रो से पहले के जितने भी यहाँ पे आईफोन्स हैं उनके अंदर आपको मैक्सिमम कैमरा 12 मेगापिक्सल देखने को मिलता है। हालांकि 12 मेगापिक्सल में भी आईफोन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती थी, तो सोचो यहाँ पे कि अब 48 आने के बाद आईफोन की क्वालिटी जो है यहाँ पर कितनी तगड़ी बढ़ जाएगी, जो कि आपको सिर्फ आईफोन 14 प्रो में देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे आईफोन 14 प्रो में आपको 3 कैमरे देखने को मिलते हैं। सभी को पता है कि जो प्रो मॉडल होता है उसमें 3 कैमरे यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे 48+12+12 का यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक और नई चीज़ आई है, वो क्या है, फोटोनिक इंजन। अब फोटोनिक इंजन कौन सी वाला है भाई? यहाँ पे फोटोनिक इंजन बेसिकली एक हार्डवेयर है जो कि सीपीयू के अंदर है, जो कि आपकी फोटो को प्रोसेस करके आपकी इमेज की क्वालिटी को और तगड़े लेवल पे आप प्रोसेस करके यहाँ पे देगा, जिसमें कि मिलियंस नहीं ट्रिलियंस यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी आपकी इमेज की, हर एक सिंगल फोटो की। उसके बाद आपकी जो फाइनल इमेज है वो निकल के आएगी, जिसकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल होगी। तो वैसे ये काफ़ी बड़ा चेंजेस था। इसके बाद बात करें तो आईफोन में पहली बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ चुकी है। एंड्रॉयड में हालांकि ये 3-4 साल पहले आ चुकी थी, बट आईफोन में अब आई है, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ लगी यहाँ पे। बट यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे आईफोन ने चेंज किया है, क्या कि जो आईफोन की जो डिस्प्ले है वो 1 हर्ट्ज पे चली जाती है जब आप यूज करते हो यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो काफ़ी कमाल की चीज़ आती है, जो आपकी बैटरी ना के बराबर खाती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लगी। उसके बाद बात करते हैं इसके ब्राइटनेस की। तो गाइस यहाँ पे आपको 2000 nits तक की यहाँ पे ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। यानी आप जितने मर्जी धूप में चले जाओ फिर भी आपको मोबाइल में ऐसे अंधेरे अंधेरे से नहीं दिखेगा, आप क्लियरली मोबाइल में देख पाओगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ यहाँ पे मेरे को लगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो कुछ फीचर हैं, जो कि 14 में भी और 14 प्रो में भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया क्रैश डिटेक्शन, बेसिकली इसके लिए 2 हार्डवेयर पार्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि मोबाइल के अंदर होंगे। उसकी मदद से क्या होगा कि अगर कार ड्राइव कर रहे हो, इमरजेंसी केसेस में आपका भाई यहाँ पे जो है क्रैश हो जाती है कार, तो वो आपको यहाँ पे सेवा प्रदान करवा देगा। बेसिकली जो आपके इमरजेंसी कॉल होंगे, यानी जैसे कि एम्बुलेंस सेवा होती है, पुलिस होती है, फिर आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि आपके पर्सनल जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो उनको फिर बेसिकली ये कॉल लगा के इन्फॉर्म कर देगा, तो वहाँ पे आपकी जान बचा सकता है। लेकिन ये इमरजेंसी केसेस में है, बेसिकली इमोशन से खेला जा रहा है और इतना बड़ा हाईलाइटेड नहीं है, अच्छा है बट इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है। दूसरा है इमरजेंसी SOS वायर सैटेलाइट। इसकी मदद से आप कहीं ऐसी जगह फंस जाते हो, जंगल में, पहाड़ों में, जहाँ पे आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे और आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो भाई आपके फ़ोन में फीचर देखने को मिल जाता है, जिसके ज़रिए आपका फ़ोन सीधा इंटरेक्ट कर पाएगा सैटेलाइट से और यहाँ पे आपको हेल्प दे दी जाएगी। बट आपको बताऊँ मैं यहाँ पे, तो ये फीचर जो है इंडिया में नहीं है, सिर्फ कनाडा और US सिर्फ 2 ही कंट्री में देखने को मिलता है, तो बेसिकली ये सिर्फ उनके लिए यूज का है, इंडिया बाकी कंट्रियों के लिए यूजलेस है। और तीसरा सबसे बड़ा हाईलाइट है इनका, तीसरा है चौथा जो भी है, चौथा होगा शायद से, तो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है गाइस इनका डायनेमिक आइलैंड, जो कि मेरे को भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बेसिकली जो इन्होंने नोच था, जो नोट्स नहीं हटा पा रहे थे, इन्होंने नोच को हटाया तो अभी भी नहीं है, बट उसको छोटा कर दिया है, पिल शेप में बना दिया है यहाँ पे। और जब इसमें नोटिफिकेशन आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की लगती है। बेसिकली एक्सपेंड हो जाता है, जैसे कि आप कॉलिंग की बात कर रहे हो तो एक्सपेंड हो जाएगा, म्यूजिक सुन रहे हो तो एक्सपेंड हो जाएगा, कोई एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको इसके अगल बगल में देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लगती है। बट ये भी नया नया आ रहा है, इसलिए हमें देखने में प्यारा लग रहा है, बाकी जब इसे रेगुलर इस्तेमाल करोगे तब ये चीज़ कितनी ज़्यादा सही रहेगी, इरिटेटिंग होगी या फिर अच्छी लगेगी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। बट ये इसका भी काफ़ी हाईलाइटेड फीचर निकल के आ रहा है, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी। इसके बाद गाइस बात कर रहे हो, यहाँ पर प्रमोशन देखने को मिल जाता है, मेक सेव का सपोर्ट है, जो कि
बाकी आईफोन में भी था, और बैटरी लेवल यहाँ पे हल्का सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर दिया गया है। एक्शन मोड को इंट्रोड्यूस करवाया गया है कैमरे के अंदर, जिसके जरिए आप स्पोर्ट्स वाली अगर वीडियो वगैरह शूट करते हो ऐसे भागते दौड़ते हुए तो आपकी वीडियो जो है सैक नहीं करेगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आप वीडियो को शूट कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे आप सिनेमेटिक वीडियो भी शूट कर सकते हो 4K क्वालिटी में 24 FPS पे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक लगी। इसके अलावा इस यहाँ पे आईफोन 14 में यहाँ पे कुछ खास चेंजेस नहीं गए हैं, बस जो फ्रंट कैमरा था उसमें ऑटो फोकस लेके आ गए हैं, जो कि आईफोन 14 में भी है। सो बस ये था आईफोन 14 प्रो में जो बड़े बड़े अपडेट थे, बड़े बड़े जो चीज़ें लेके आए था यहाँ पे आईफोन 14 प्रो में, वो मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है और आप चाहते हो कि नहीं यार ये चीज़ों की मेरे को ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो एमरजेंसी SOS था वो इंडिया में काम नहीं करता, क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन बहुत ही माइनर केसेस में यहाँ पे काम करेगा, जब एक्सीडेंट होने के बहुत ही रेयर चांस होते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे आपको कोई हेल्प ना करे, तो अब ये काम में आने वाला है। बाकी इसका डायनेमिक एक्सीलेंट और इसके जहाँ पे कैमरा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक और जो चीज़ थी इसके जो कैमरे के फीचर्स वगैरह हैं उनको देखकर आप लेना चाहते हो, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इनको देख के अगर आप लेना चाहते हो आईफोन 14 प्रो तो आप आईफोन 14 प्रो की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आईफोन 13 ले लो, पैसे वगैरह कम है, बजट वगैरह कम है, तो उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है, आईफोन 13 काफ़ी ज़्यादा सही है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आईफोन 14 प्रो की तरफ भी जाओ, अगर आपको ये फीचर नेसेसरी है कि आप चाहते हो, आपके पास अंधा पैसा है कि हाँ भाई मेरे को तो ये लेना है, तो आप ले लो, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। बट अगर पैसे नहीं है, अगर आप ऐसे EMI पे ले रहे हो, उधार पे ले रहे हो, तो आईफोन 13 ले सकते हो, सेम फीचर के साथ मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सो गाइस ये था आईफोन 14 प्रो के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने उन दोस्तों को शेयर कर सकते हो जो कि आईफोन के पीछे पगला रखे हैं। और आपको कैसी लगी ये वीडियो और जो भी आपकी इच्छा हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दिल्ली है गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट आपके लिए मेहनत जारी है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना गाइस। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।